हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जी, पेपर वन और पेपर टू किसके लिए? यूजीसी नेट के लिए। दोनों की स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड कर दी है कि 15 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा कि कैसे आपको 15 दिन में रिविज़न करना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब आप रिविज़न कर रहे होते हैं तो किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपका रिविज़न जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए, क्योंकि मेजर पॉइंट तो यही है ना कि चीज़ें इफ़ेक्टिव हों, आपको याद भी रहें और आप जो है लास्ट मोमेंट पे रिवाइज भी कर पाएँ। कि आज अगर सुबह सुबह एग्ज़ाम है 9 बजे, सो आपको सुबह सुबह उठ के तो आप सारी वीडियोज़ नहीं देख सकते ना, या सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो वो रिविज़न के पॉइंट तक कैसे पहुँचना है। सो वो पहुँचने वाली स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता रखी है। अभी टिप्स क्या क्या हो सकती हैं, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक नोट्स नहीं बना रखे होंगे, ओके। और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जब आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं ना, तो थोड़ा सा डर और हिचक रहती है कि अब लास्ट मोमेंट पे नोट्स बना के क्या ही उखाड़ लेंगे। बट ट्रस्ट मी, वो लास्ट मोमेंट पे जो नोट्स आप लिख रहे हैं ना हाथों से, वो चीज़ किस काम आएगी, वो आपके दिमाग में भी जा रही हैं थोड़े थोड़े, ओके। सो जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, तो रिविजन के दौरान आपको चीज़ों को नोट डाउन करना है। पहली बार में आपको नहीं समझ आएगा कि कितना आपने नोट डाउन करना है, कितना नहीं करना है। सो आप फोकस रखिए कि फैक्चुअल चीज़ों को नोट डाउन करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो सारी फैक्चुअल चीज़ें एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। चाहे आप कितनी ही बुक्स देख लो, चाहे कितने ही जो है वीडियोज़ देख लो, ओके, वो एक जगह पे मिलना और वो भी आपके पेपर पे मिलना, ठीक है। सो वो चीज़ के लिए आपको नोट डाउन करना है। जब भी आप कोई वीडियो देखें, उसमें से फैक्चुअल पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पे। जब धीरे धीरे जब आपको लिखने की आदत हो जाएगी ना, नोट डाउन करने की आदत हो जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, जब आप सेम वीडियो भी दोबारा देख रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ मुझे याद रह रही है और मुझे ये वाली चीज़ नोट डाउन करनी है, ओके। सो आपको रिविज़न के दौरान नोट्स लिखने हैं, ओके। नोट्स कंपलसरी हैं। नोट्स पे इसलिए फोकस दे रही हूँ क्योंकि जब आप लिखेंगे साथ साथ, तो सुन तो आप वो वीडियो में सुन तो रहे ही हैं, देख भी रहे हैं, तो वो देखने सुनने के साथ साथ आपके हाथ को भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और कई चीज़ें, मतलब बेसिकली आपके आप टोटली इन्वॉल्व हो जाएंगे उस प्रोसेस में, ओके, सुनने लिखने और जो है देखने के साथ साथ। तो वो चीज़ों में जब आप टोटली इन्वॉल्व हो गए, तो वो इफ़ेक्टिवली आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी चीज़ें, ओके। सो वो रिटेंशन आपकी बढ़ा देगी उन चीज़ों को कि जो शायद सिर्फ सुन के, मान लो आप कोई काम करते करते वीडियो सुन रहे हो, ठीक है, सो वो सुनना प्लस आप फोकस करके सुन रहे हो, वो सुनना और आप फोकस करके सुनते हुए देखते हुए लिख भी रहे हो, इन तीनों चीजों में आपको फर्क नजर आएगा, ओके। सो इसलिए आपको नोट्स नोट डाउन करने, ताकि लास्ट मिनट पे, क्योंकि आप कितने भी नोट डाउन कर लो, आप इतने पेजेस नहीं लिख पाओगे जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज ना कर पाओगे। सो फोकस कीजिए बस कि फैक्चुअल पॉइंट्स नोट करने हैं। मान लो आप हायर एजुकेशन रिवाइज कर रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि कोठारी कमीशन कब आया था, या आप भूल रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। सो वो फैक्चुअल पॉइंट्स बेसिकली वो क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे आपकी, जो आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा, ओके। सो वो फैक्चुअल पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने, जिससे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। दूसरा, अब आपने नोट डाउन तो कर लिए, अब आपने पहले दिन क्लास देखी और आपने चीज़ें नोट डाउन कर ली, जैसे ही आप दूसरे दिन पे पहुंचे, तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरी मैराथन देखेंगे या दूसरी चीज़ें देखेंगे, दूसरी यूनिट देखेंगे। उस चक्कर में वो यूनिट डेफिनेटली देखिए, वो यूनिट जैसे ही कवर अप हो जाए, सोने से पहले पिछले दिन वाली जो चीज़ें या जो नोट्स में आपने लिखा था उसके ऊपर नज़र मार लीजिए, उसको भी रिवाइज कर लीजिए। यानी कि आपको हर बढ़ते हुए दिन के साथ साथ पिछले दिन का भी रिविज़न करना है, वरना आप वो चीज़ें भूल जाएंगे, ओके। सो पिछले दिन को साथ लेके चलना है जी। तीसरे दिन पे पहुँचेंगे, जो पहले और दूसरे दिन किया था वो तब का कैसे रिवाइज कर पाओगे, वो तभी तो रिवाइज कर पाओगे जब नोट डाउन कर रखा होगा। अगर नोट डाउन नहीं कर रखा, तो आप पिछले दो दिन वाली वीडियोस दोबारा थोड़ी देख पाओगे, राइट। सो जो भी वीडियो देखो, जो जो स्ट्रैटेजी में मैंने बताई है, वो वीडियो देखते टाइम आपको चीज़ें नोट डाउन करनी है, अगले दिन पिछले दिन वाला भी रिवाइज करना है, ओके। और वो रिविजन नोट्स के साथ ही पॉसिबल हो पाएगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको PYQs करके देखने हैं, सो वो PYQs में से कोशिश कीजिए एटलीस्ट कि 15 दिन में से आप 5 दिन तो हैं क्या करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में उनको अटेम्प्ट करके देखेंगे।
एंड ट्रस्ट मी, जब आपने एक पेपर ऑलरेडी करके देखा हुआ है, जब 3 घंटे लगा के आप उसको वापस से लगा के देखोगे ना, तो भी आपको दिक्कतें और गड़बड़ नजर आएंगी, जो आपको समझ आएंगी कि भाई ये गड़बड़ अभी भी हो रही है. ओके, तो आप ये सोचो कि जब टाइम बाउंड मैनर में आपके ऑलरेडी किए हुए PYQ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल के आ रही है, या 3 घंटे में वो पेपर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, या कुछ और गड़बड़ आ रही है, सिली मिस्टेक्स आ रही हैं, तो जब नया पेपर आपके सामने आएगा, जो ऑब्वियस ही बात है मिलता जुलता तो होती ही है चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए होते हैं, बट स्टिल जब नए क्वेश्चंस आपके सामने पेपर में आएंगे तो कैसे पूरा होगा वो पेपर, राइट? चलो ठीक है, CBT मोड है, थोड़े से फायदे रहेंगे कि पूरे के पूरे 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर के लिए ही मिलेंगे, आपको गोले नहीं भर के आने हैं, दैट्स गुड. बट स्टिल जब आप पहले से किया हुआ PYQ दोबारा से करके देखते हो और 3 घंटे बिल्कुल टाइमर लगा के ईमानदारी से, ओके, अपने रूम को लॉक कर लीजिए, 3 घंटे बैठिए और ईमानदारी से टाइमर लगा के उस पेपर को अटेम्प्ट करके देखिए, ट्रस्ट मी जो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा उससे भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉक टेस्ट की बजाय PYQs पे जाइए, चाहे उनको बार बार लगा के देख लीजिए. ठीक है, लगा के देखने का मतलब ये नहीं कि बस वीडियो देख ली, लगा के देखने का मतलब है कि प्रॉपर 1 से लेके 100 तक आपने गिनती लिख रखी है कि 1 से 100 तक क्वेश्चंस हैं, इनमें एक आंसर मैंने ए दिया है लेकिन ये बी आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन मेरा गलत है. ठीक है, तो एक मैंने ए क्यों दिया था और बी कैसे आ रहा है, वो चीजों को भी एनालाइज करना. ओके, तो वो प्रॉपर पूरा 100 क्वेश्चंस को एनालाइज करना, आप कहां गड़बड़ कर रही हैं, क्या चीजें कर रही हैं, 3 घंटे में आप वो पूरा पेपर पढ़ भी पा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, सो वो चीजें आपको जो है बेटरमेंट रिविजन को जो है और बेटर और इफेक्टिव बनाएंगी. ठीक है, ये मेजर 3 चीजें हैं जो आप डेली करेंगे. इसके अलावा बाकी तो आपको पता ही है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने काम पे फिलहाल के लिए फोकस करना है, बिकॉज 10-15 दिन बचे हैं, सो पढ़ाई पे फोकस कीजिए रादर देन इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व होने के. ना घर में किसी से बहस करनी है, ना लड़ाई करनी है, बस जो बोले, मतलब आप इस स्टेज पे चले जाइए फिलहाल तो, कि वो वाली वो जोक नहीं होता कि अगर घर वाले बोले हाथी उड़ रहा है तो आप बस हाथ जोड़ के बोल दो हाँ मैंने भी देखा था. ठीक है, तो उस स्टेज पे चले जाइए कामनेस के, कि इट्स ओके, आपको बहस में इन्वॉल्व ही नहीं होना है. ठीक है, पड़ोस की चुगली चल रही है घर में, वो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होना है. तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके जो है वो एनालिसिस चलते रहना चाहिए, रिविजन चलते रहना चाहिए. अगर आप जो है खाना भी खा रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वो पेपर चल रहा होना चाहिए कि भैया मैंने पेपर किया था और ये गड़बड़ मैं बार बार कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ठीक है, सो वो माइंडसेट तभी होगा जब आप नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगे. कई बार घर में भी माहौल ऐसा सा हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा दूर रहिए और अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए. कंप्लीटली करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा कीजिए ताकि आप बेटर और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएं, और वो डेफिनेटली आपको GRF दिलाएगा. ठीक है, सो ये चीजें हैं जी कुछ एक, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो होता है ना फोकस वाली, जो आपके रिविजन को और इफेक्टिव बना सकती है. ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं ये सारे. ठीक है, सो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए काम आएंगे आपके, तो आप इन पे थोड़ा फोकस कीजिए और इस तरीके से मतलब इन पॉइंट्स को रिविजन में डालने की कोशिश कीजिए. नोट्स बार बार बोल रही हूं, स्टार्टिंग में जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं उनको डर लगेगा, बट वो डर करके ही ठीक होगा. ओके, जब आप लिखेंगे तब वो चीजें ठीक होंगी. जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें चलनी शुरू होंगी, तो आपको बाकी किसी से कोई लेना देना भी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें ही चल रही होंगी जो आपने पढ़ी थी. ओके, सो इन पे फोकस कीजिए. फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और थोड़ी सी मतलब वो होता है ना पुश करे आपको आगे बढ़ने की तरफ, कंसिस्टेंट रहने की तरफ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब 15 दिन बचे हैं उनमें से भी 5 दिन पढ़ के और आप चाह रहे हैं कि टॉप कर जाओ आप. ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो वो 5 दिन की बजाय पूरे 15 के 15 दिन पढ़ना है. इस चीज़ पर फोकस कीजिए, कंसिस्टेंट रहना है, काम रह के स्माइल के साथ पढ़ना है, ताकि चीज़ें बेटर रिटेन हो पाए. और हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर हेल्थ गड़बड़ हो गई तो वो जिस दिन पेपर होगा उस दिन का कोई मतलब होता है ना, पिछली सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है. सो वो चीज़ ना हो, इसलिए ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का भी और तबीयत का भी. अगर गड़बड़ चल रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. And be consistent in your efforts, because consistency is the key to success.